जनक जनक आप कहां पर मौजूद हैं? देखिए किशोर, मैं मणिनगर का जो इलाका है वहाँ पर बूथ में हूँ। यहाँ पर 5 बजते ही ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया है और यहाँ पर आप देखिए आखिरी जो काउंटिंग की जो तिथियाँ हैं जो वो अभी जो सील होना होता है, वोट जो मशीन है वो अभी वहाँ पर सील किया जा रहा है। ये केवल 2 बूथ हैं, 194 और 194, ये 2 बूथ हैं जहाँ पर फाइनल जो काउंटिंग होती है वो EVM मशीन की, उसको सील किया जा रहा है और अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और इसको सील करने के बाद पुलिस की निगरानी में इसको फिर कलेक्टर कचहरी या जो काउंटिंग सेंटर है वहाँ पर इनको ले जाया जाएगा। लेकिन इस बार जो पहले चरण के मुकाबले, किशोर मैं बताऊँ आपको, दूसरे चरण में वोटिंग अच्छी हो रही है। मेरी कुछ बड़े नेताओं से आज बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि माहौल अच्छा है, यानी BJP के शासक पक्ष के जो नेता हैं वो ये कह रहे, काफ़ी बड़ी पोजिशन पर हैं वो लोग, कह रहे थे कि इस बार का माहौल ये दूसरे चरण में, चूँकि पहले चरण में मतदान थोड़ा जब कम हुआ तो उनको लग रहा था कि कहीं अंडर करंट का असर तो नहीं है, लेकिन ये पूरा दो वो इलाका है जो उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात और ख़ासतौर पर अर्बन वेस्टर्न जिसको कहें, जो BJP का गढ़ कुछ तरह माना जाए तो अहमदाबाद की 16 सीटें, उसके अलावा ग्रामीण को 5 मिला ले तो 21 सीट यहाँ पर होती है, 10 सीटें होती है वो बड़ौदा की होती है, तो इन 31 सीटों में BJP लगभग 27 सीटें जितनी जीतती आ रही है। तो ऐसे में वही मोमेंटम आगे भी, उससे भी ज़्यादा सीटें जीते, क्योंकि आपने PM मोदी का रोड शो देखा अहमदाबाद में, 2 दिन में 2 बड़े रोड शो, उसमें सारी की सारी विधानसभाओं को कवर करने की कोशिश की गई। तो आज ये मूड है BJP का, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत आप देखें कई जगहों पर 65-70% के आसपास जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो 3 बजे का मोमेंटम आया तो जो पहले फेज में जो डाउन हुआ था उससे ज्यादा दिख रहा है इस बार। ये अच्छी खबर, दूसरे फेज में लोग कुछ ज्यादा निकल कर आए हैं।